हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सो आज अपने सामने खड़ी ये होंडा एलिवेट, जिसका ये वीक्स वेरियंट है और आप ये देख रहे हैं ब्राउन कलर। और बाकी जैसे इसकी प्राइस वगैरह की अपन बात करें तो इसकी जैसे अपने को 13,50,000 अपने को एक्स शोरूम प्राइस मिलती है, और अप्रोक्स जैसे इसकी प्राइस ऑन रोड अपने को 15 लाख के अप्रोक्स अपने को ऑन रोड प्राइस वगैरह मिल जाती है। अब जैसे इसकी सबसे पहले अपन इंजन वगैरह देखने चलते हैं, तो इसकी इंजन की बात करते हैं अपन। इसमें जो अपने को इंजन मिल जाता है वो अपने को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें अपने को ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। यहाँ अपने को प्रॉपर कवरिंग वगैरह मिल जाती है। बाकी जैसे इंजन की स्पेसिफिकेशन मैंने आपके स्क्रीन पे डाल दिए, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ये वाला इंजन अपने को प्रोड्यूस करता है 16 से 17 किलोमीटर का एवरेज। बाकी जैसे अब अपन इसकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में कुछ इस तरीके से अपने को होंडा का लोगो मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपने को ग्रिल मिल जाती है। यहाँ अपने को यहाँ से प्रॉपर ग्रिल अपनी अंदर की तरफ रेडिएटर अपने को विजिबल रहेगा। यहाँ ग्रिल पे अपने को कुछ सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये कुछ इसमें एसेसरीज वगैरह का पार्ट है, तो इसमें जैसे 25,000 की एसेसरीज वगैरह लगाई हुई है, तो वो मैं बताते रहूँगा, प्राइस वगैरह लास्ट में बता दूँगा। सबसे पहले जैसे यहाँ अपन देखें तो यहाँ अपने को प्रॉपर क्रोम की इंसर्ट्स वगैरह मिल जाती है, ये कुछ इस तरीके से, बाकी जैसे होंडा का लोगो हो जाता है। अब जैसे सबसे पहले अपन इसकी लाइट्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से अपने को लाइट्स मिल जाती है। यहाँ अपने को DRL वगैरह मिल जाता है, यही अपने टर्न इंडिकेटर में भी वर्क करेंगे। ये अपनी लो बीम हो जाती है, यहाँ अपनी हाई बीम हो जाती है। प्रॉपर अपने को LED सेटअप ही रहेगा इसमें, और यहाँ नीचे की तरफ अपने को जो फॉग लैंप मिलता है वो फॉग लैंप भी अपने को LED रहेगा। बाकी फ्रंट में यहाँ नीचे की तरफ अपने को कुछ स्किड प्लेट वगैरह मिल जाती है। बाकी जैसे इसके फ्रंट में अपने को यहाँ वाइपर वगैरह मिल जाते हैं, दो वाइपर और वॉशर मिल जाते हैं। अब जैसे इसकी साइड्स वगैरह में अपन देखिए तो साइड अपने को कुछ इस तरीके से रहेगी। साइड में जैसे अपन सबसे पहले अपन बात करें इसके व्हील्स की, तो ये कुछ इस तरीके से अपने को व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ प्रॉपर अपने को फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे अपने को ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ ये जो अपने डायमंड कट अलॉय व्हील वगैरह मिल जाते हैं। अब जैसे टायर की साइज़ की बात करें अपन, टायर साइज़ अपने को मिलती है 215x55 8x17 की रिम मिल जाती है अपने को। और जिस साइड में अपने को प्रॉपर बॉडी क्लेडिंग मिल जाती है, बॉडी क्लेडिंग अपने को काफ़ी अच्छी मोल्डिंग वगैरह के साथ मिल जाती है, जो अपनी पीछे की तरफ रहेगी। अब जैसे इसके ORVM की बात करें तो ये ORVM अपने को ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाता है। यहीं अपने को टर्न इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। बाकी ये कुछ इस तरीके से अपने को रूफ रेल्स मिल जाती है, सिल्वर अपने को रूफ रेल्स मिल जाती है। बाकी यहाँ अपने को एक सनरूफ मिल जाता है छोटा। यहाँ जैसे कि आप सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह देख रहे हैं डोर पे, ये भी इसका एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ अपने को डोर में अपने को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है दोनों साइड। बाकी कुछ इस तरीके से इसकी साइड है। अब जैसे इसकी बैक की बात करें तो बैक अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। बैक में प्रॉपर अपने को लाइट्स जो रहेगी वो अपनी LED सेटअप ही रहेगी। और जैसे ऊपर की तरफ अपन बात करें तो ऊपर अपने को शार्क एंटेना मिल जाता है, यहाँ अपना स्पॉइलर मिल जाता है, स्पॉइलर पर अपने को वॉशर वगैरह मिल जाता है, और जो हाई स्टॉप लैंप मिलता है वो अपने को इस जगह प्लेस रहेगा। पीछे की तरफ अपने को जैसे डिफोगर वगैरह मिल जाता है, वाइपर वॉशर मिल जाता है। अब जैसे इसमें नीचे बात करें अपने को यहाँ होंडा का लोगो मिल जाता है। बाकी जैसे इसमें लाइट्स वगैरह कुछ इस तरीके से रहेगी, ये लाइट्स अपनी LED रहेगी। और जैसे इसमें रिवर्स लाइट वगैरह अपने को मिल जाती है, वो यहाँ मिल जाती है, और जैसे इंडिकेटर वगैरह यहाँ मिल जाता है। पीछे जैसे उस साइड अपने को होंडा एलिवेट की बेजिंग मिल जाती है, इस साइड अपने IVTEC की बेजिंग मिल जाती है। पीछे अपने को एक कैमरा वगैरह मिल जाता है, बाकी चार इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और ये नीचे की तरफ कुछ इसमें सिल्वर इंसर्ट्स इस तरीके से मिल जाएगी, जो एग्जॉस्ट रहेगा वो अपना कुछ इस तरीके से इधर रहेगा। बाकी जैसे अब अपन इसके बूट की तरफ चले तो ये कुछ इस तरीके से अपने को 458 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। बूट में अपने को यहाँ एक हेडलैम्प वगैरह मिल जाता है, छोटा सा लाइट वगैरह मिल जाता है बूट में, और ये कुछ इस तरीके से स्पेस रहेगी बूट में। जैसे अपन यहाँ देखें तो यहाँ अपनी स्पेयर व्हील वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ रहेगी। स्पेयर व्हील की साइज़ अपने को मिलती है वो अपनी R16 की रिम रहेगी। यहाँ पार्सल ट्रे वगैरह मिल जाती है। बाकी अपन बूट क्लोज करते हैं और इसके चलते हैं पीछे वाली सीट्स पे। तो जैसे पीछे वाला डोर अपन देखें तो पीछे वाला डोर अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ अपने को फैब्रिक कुछ इंसर्ट्स वगैरह मिल जाएगी। यहाँ अपनी ड्यूल टोन इंटीरियर वगैरह मिल जाता है, ब्लैक और ब्राउन कलर की अपने को मिक्स मिल जाती है, जो अपने को डोर पर भी मिल जाती है। यहाँ अपने को डार्क क्रोम के ये डोर हैंडल मिल जाएंगे। यहाँ अपनी ब्राउन कलर की हार्ड प्लास्टिक की डिज़ाइन रहेगी, सॉफ्ट टच अपने को सिर्फ यहाँ मिलेगा डोर पैड पर।
बाकी ये कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगी, विंडो के कंट्रोल अपने को यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ अपने को स्पीकर की प्लेसमेंट रहेगी, यहाँ अपने कुछ बोतल होल्डर वगैरह मिल जाएगी। और जैसे सीट्स के अंदर की तरफ देखिए तो अंदर अपने को कुछ इस तरीके से मिलता है। बाकी जैसे इस कार के अंदर अपन आई गया, अंदर जैसे अपन देखे अब तो यहाँ जैसे सीट्स अपने को फैब्रिक सीट्स ही मिलेगी इस वाले वेरिएंट में। इस वाले वेरिएंट में जैसे अपने को फैब्रिक सीट मिल जाएगी, ड्यूल टोन अपने को इंटीरियर वगैरह मिल जाता है। यहाँ अपन बात करें सीट्स में, सीट्स में अपने को दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी यहाँ कोई सेंटर में अपने को आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलते हैं। पीछे की सीट से इन सीट्स पे अपने को आईएसबी स्टाइल सीट माउंट मिल जाते हैं। बाकी साइड में अपन बात करें तो साइड में यहाँ अपना डोर हैंडल हो जाता है, कुछ हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। बाकी यहाँ सेंटर में अपनी एलईडी लाइट मिल जाएगी अपने को। इस साइड अपने को कोट हैंगर के साथ अपने को हैंडल वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ सेंटर में अपन बात करें तो सेंटर में कुछ इस तरीके से अपने को एसी वेंट मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया एसी वेंट मिल जाते हैं अपने को। बाकी यहाँ अपने को एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, हम्प अपने को काफ़ी छोटा मिलता है, मतलब बैठने में 3 पैसेंजर काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। अब अपन चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। फ्रंट की तरफ जाने से पहले मैं कुछ की बता देता हूँ। इसकी की अपने को कुछ इस तरीके से मिलेगी जिसमें एक साइड होंडा का लोगो मिल जाएगा, बाकी ये लॉक अनलॉक फीचर के साथ आ जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर अपने को डोर पे मिल जाता है। बाकी अब अपन बात करें इसके फ्रंट डोर की तरफ, जो अपना ये ड्राइवर साइड डोर कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाता है। ड्यूल टोन में अपने को डिज़ाइन वगैरह मिल जाती है, यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ कुछ अपने को सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह मिल जाती है जो अपनी डार्क सिल्वर रहेगी। बाकी ये कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ ड्यूल टोन में अपने को यहाँ हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ अपना सॉफ्ट टच ही रहेगा, फैब्रिक रहेगा। ये कुछ अपने ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे, ORVM अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाते हैं। बाकी ड्राइवर साइड अपनी ऑटो डाउन और ऑटो अप मिल जाती है। अब जैसे अंदर की तरफ अपन सीट्स के कंट्रोल में बात करें तो सीट में अपने को जैसे 6-way मैनुअली एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है। बाकी कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड है। अब अपन चलते हैं इस कार के अंदर। तो ये अपन आ गए इस कार के अंदर। अब जैसे इसको सबसे पहले अपन ऑन करके देखते हैं एक बार। सिंगल ऑन में जैसे अपना मीडिया ऑन हो जाता है, बाकी जैसे ड्यूल में अपना प्रॉपर अपनी कार वगैरह ऑन हो जाती है। अब जैसे अपन सबसे पहले इसके यहाँ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो अपने को मिलता है वो अपने को लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, कुछ इस तरीके से अपने को स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ कुछ इसमें सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह मिल जाती है। बाकी जैसे यहाँ अपन बात करें तो यहाँ अपने को कुछ कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, जो अपना मीडिया कंट्रोल और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी इस साइड जैसे अपन बात करें तो इस साइड अपना लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस साइड अपने वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी अब अपन सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाता है। ये अपना सेमी डिजिटल अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें जैसे यहाँ अपने को स्पीडोमीटर मिल जाता है, इस साइड अपना RPM मीटर मिल जाता है। अब जैसे इसमें अपन कुछ डिस्प्ले वगैरह की बात करें तो यहाँ अपने को कुछ लो फ्यूल वगैरह का इंडक्शन बता देता है, ये टेकोमीटर बता देता है, रेंज और वगैरह बता देता है, और स्पीड वगैरह टाइम वगैरह जी मीटर वगैरह बता देता है। जी मीटर जैसे इसका ऑन करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जी मीटर आ जाता है। काफ़ी अच्छा अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये अपनी लाइट की इल्यूमिनेशन अपन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जैसे इसकी इस साइड बात करें तो इस साइड यहाँ अपना एसी के वेंट मिल जाते हैं, यहाँ सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह मिल जाती है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन अपने को यहाँ मिल जाता है, यहाँ अपना ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट बीम एडजस्टर मिल जाता है, वहाँ नीचे अपने बोनट खोलने का लीवर और फ्यूल लिड खोलने का लीवर मिल जाता है। बाकी इस साइड अपन बात करें तो इस साइड अपने को 8 इंच का अपने को मीडिया मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके से इस पर अभी ये कवर लगा हुआ है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। काफ़ी अच्छा अपने को ये इंफोटेनमेंट मिल जाता है। बाकी जिस इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी जैसे होम अपने को कुछ इस तरीके से होम मिल जाएगा, इसमें जैसे अपने को डे और नाइट का अपने को व्यू मिल जाता है, ये जैसे नाइट व्यू पे है, ये डे व्यू पे है, जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कम कर देता है। सेटिंग्स में अपन बात करें तो सेटिंग्स में अपने को डिवाइस की कुछ सेटिंग वगैरह मिल जाती है, साउंड की सेटिंग मिल जाती है, बीप वगैरह और सिस्टम वॉल्यूम वगैरह मिल जाता है, डिस्प्ले के कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें। बाकी नीचे अपने को बैकग्राउंड कलर वगैरह मिल जाता है, इसमें वॉलपेपर वगैरह मिल जाता है, और डेट वगैरह ऑटो टाइम ये कुछ इस तरीके से इसमें कंट्रोल मिल जाते हैं। रियर वाइड व्यू भी मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं कुछ अपने को, रियर और लेन वॉच कैमरा के कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी जैसे काफ़ी अच्छा अपने को इंफोटेनमेंट मिल जाता है। अब जैसे उसके नीचे अपन बात करें तो नीचे कुछ इस तरीके से अपने को एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंटर में अपना हैजार्ड लाइट का कंट्रोल मिल जाता है। बाकी उसके नीचे अपने को ये कुछ
ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है। इसमें अपने को मैक्स कूल का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी है, अपने को एसी वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एसी का थ्रो अच्छा मिल जाता है। नीचे की तरफ अपने को ये कुछ सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ जैसे डैशबोर्ड का अपन एक बार क्विक व्यू ले तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ कुछ इसमें ब्राउन कलर की अपने को पियानो ब्लेड डिजाइन मिल जाती है, यहाँ ब्राउन डिजाइन मिल जाती है, कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अपन देखें तो नीचे कुछ इस तरीके से अपने को चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं टाइप ए के। यहाँ अपने को 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, बाकी यहाँ एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है। यहाँ 2 कप होल्डर वगैरह मिल जाता है। ये अपना गियर नॉब मिल जाता है, अपना ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। इसमें जैसे अपन रिवर्स गियर वगैरह प्लेस करके देखते हैं एक बार, तो ये कुछ इस तरीके से रिवर्स कैमरे की क्वालिटी वगैरह मिल जाती है। इसमें जैसे अपने को 3 व्यू मिल जाते हैं, ये वाइड व्यू मिल जाता है, ये थोड़ा क्लोज व्यू मिल जाता है जो नॉर्मल व्यू सब में आता है, और ये एक क्लोजअप व्यू मिल जाता है। वाइड व्यू काफ़ी अच्छा है और कैमरे की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें। बाकी जैसे गियर नॉब की अपन बात करें तो यहाँ इसमें कुछ सिल्वर इंसर्ट्स वगैरह मिल जाती है, यहाँ पियानो ब्लैक डिजाइन मिल जाती है, यहाँ गियर जैसे अपने को प्रॉपर लेदर रेप आता है, यहाँ अपने को लेदर कवर वगैरह मिल जाता है। यहाँ अपन बात करें तो यहाँ कुछ स्पेस वगैरह मिल जाती है। बाकी जैसे ये हैंड ब्रेक वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है जो अपना फिक्स आर्मरेस्ट रहेगा, इसको अपन स्लाइड वगैरह नहीं कर जा सकते हैं। आर्मरेस्ट पे भी अपने को फैब्रिक इंसर्ट्स मिल जाती है, आर्मरेस्ट में कुछ इतनी अपने को स्पेस मिल जाती है। बाकी इस साइड अपन बात करें तो इस साइड ये जैसे डैशबोर्ड अपना कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पियानो ब्लैक डिजाइन मिल जाएगी, और यहाँ ग्लव बॉक्स अपन बात करें तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके से अपने को डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। इस साइड अपन ऊपर बात करें तो इस साइड अपना हैंडल वगैरह मिल जाता है, और यहाँ अपने को वैनिटी मिरर मिल जाता है, इस साइड अपने को टिकट होल्डर मिल जाता है। बाकी यहाँ अपन बात करें तो ये कुछ अपने लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये अपनी लाइट एलईडी रहेगी, और यहाँ जैसे अपन सनरूफ के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब जैसे अपने को 1 टच नहीं मिलता है सनरूफ, इसको दबाए रखना पड़ेगा तभी ओपन होगा, कुछ इस तरीके से ये इतना ओपन होता है सनरूफ का। जैसे अपने को सनरूफ का जैसे ये अपने को मैन्युअली ब्लाइंड अपने को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ बाकी अपना आईआरबीएम मिल जाता है, ये अपना मैन्युअली अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ऑटो डिमिंग के साथ में ऑप्शन में नहीं आता है। अब जैसे इसमें अपने को कुछ जैसे एसेसरीज वगैरह लगाई हुई है तो वो मैं बता देता हूँ, और उनकी प्राइस वगैरह मिल जाएगी। बाकी जैसे इसकी सेफ्टी वगैरह की बात करें तो सेफ्टी में अपने को इस वाले वेरियंट में अपने को एयरबैग वगैरह मिल जाते हैं, ड्यूल फ्रंट एयरबैग वगैरह मिल जाते हैं। बाकी इसमें जैसे ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। सेफ्टी में जैसे इस कार की सेफ्टी जैसे अपन देखें तो 5 स्टार मिले हुए NCAP की तरफ, तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी वगैरह मिल जाती है। बाकी जैसे कुछ इस तरीके से था ये इंटीरियर वगैरह, और जैसे इसमें कुछ एसेसरीज वगैरह लगाई हुई है तो वो मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें जैसे सबसे पहली एसेसरीज ये है सीट वेंटिलेशन का, तो ये अपन अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इसमें कोई वेंटिलेशन अपने को कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है, ये ऊपर से लगाई हुई है जिसको इस तरीके से रिमूव वगैरह कर सकते हैं। एक ये एसेसरीज में, बाकी जैसे इसमें क्रोम वगैरह लगा हुआ है, ये इसका एसेसरीज का पार्ट है जिसकी प्राइस वगैरह यहाँ पर मैंशन करी हुई है। एक बार ये इसकी प्राइस वगैरह आप वीडियो पॉज करके देख लेना। बाकी जैसे ये अपनी थी होंडा एलिवेट जिसका ये VX वेरियंट था, और ये इसका रिव्यू वगैरह कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।